इस पेंटिंग की बात करें और अगर आप इसकी रेट सुनेंगे तो किचन है पूरा बिग बॉस स्टाइल किचन। ये जी आई मैक हो गया, यहाँ से साउंड बार बोर्ड का हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये ऐसे क्यों होगी चीजें, क्योंकि एक आर्टिस्ट को फुर्सत नहीं आती है पूरा अपने काम से काम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मज़े में होंगे। व्लॉग में आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हमने पिज़्ज़ा बनाया और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, और आज भी मैं यहीं हूं। पता आपको चला ही होगा बैकग्राउंड से, मैं अभी मासी के घर पर ही हूँ और अचानक से स्ट्राइक हुआ कि मेरे जो पुफू है और मेरी पुफी वो जुकरा में रहती है, तो वहाँ क्यों ना जाए, एक व्लॉग भी बन जाएगा और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो आपको मैं दिखाऊंगा। और सफ़र स्टार्ट करते हैं, स्कूटी निकालते हैं, ठंड बहुत है, पट करे क्या, जाना पड़ेगा और उनके पास भी जाएंगे। और पुफी तो वहाँ नहीं है बट पुफा जान है, तो चलते हैं। और पुफा जान, मेरे पुफा जान को तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो है, वहीं पता चल जाएगा। तो चले लेट्स गो। हाँ जी, पहुंच गए हम। ओहो ठंड बहुत है। मैं पहुंच गया हूँ पुफी के घर और मेरे फ्रंट साइड से है और आपको भी दिखा दूँ, बड़ा खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से। ये रहा जी पुफी का घर और इसकी जो लोकेशन है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत। और घर है ये और उसके साथ है स्टूडियो। ठीक है, स्टूडियो किस चीज़ का है वो बताता हूँ। मैंने आपको बताया स्टूडियो है घर के साथ एक छोटा मोटा साइड पे, ये देखो ये वाला हिस्सा, ये किस चीज़ का स्टूडियो है और दिखाता हूँ। और आज का व्लॉग जो है बहुत अमेजिंग होने वाला है और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। आज मैं भी एक्साइटेड हूँ इस व्लॉग के लिए क्योंकि अंदर जितनी चीज़ें ना वो देख कर आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आप आर्ट के फील्ड से है, पेंटिंग के फील्ड से है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, मैं पूरा आर्टिस्टिक लुक में घर भी है, तो अभी हम सीधा स्टूडियो में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है। ये लॉन है, ठीक है, ये जी लॉन है और ये घर है। और अब चलते हैं अंदर, ठीक है, स्टूडियो में डायरेक्ट। और स्टूडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ऊपर भी एक पेंटिंग मिल जाएगी, यहाँ से भी एक पेंटिंग मिलेगी। और अब हम चलते हैं जी अंदर। तो ये अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक है भाई? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ आज बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जुड़ गई है और इनके घर में आ गया। आज मैं पहली बार व्लॉग में लोगों को दिखा रहा हूँ ये। और अब आप इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। भाई मैं प्रोफेसर ज़हूर दरगर हूँ, आई एम रिटायर्ड डीन फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और रिटायरमेंट के बाद मैं वापस कश्मीर आया हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ। आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर बेसिकली। और मेरा मकसद ये है यहाँ आने, कश्मीर वापस आने का, कि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट सीखना चाहते हैं, जो आर्ट फील्ड के साथ वाबस्ता नहीं है बट आर्ट में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट है उनको आर्ट में। तो मैंने उन बच्चों को कलेक्ट किया है, जमा किया है और उनकी क्लासेस सैटरडे संडे को मैं लेता हूँ, आउटडोर क्लासेस जिसे हम कहते हैं प्लेन एयर पेंटिंग। तो वो सब फिर मेरे साथ पेंट करते रहते हैं। तो मेरा यही मकसद है, जिन बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है आर्ट की, जो डिफरेंट फील्ड्स के हैं, उनको इकट्ठे करके उन्हें कम से कम, अब वो अच्छा, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। क्योंकि कश्मीर में दो ही चीज़ें हैं, या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। जब मैंने ये फील्ड चुना था 70s में, तब भी ये था, ये अभी भी है कि दो ही हमारे यहाँ फील्ड है डॉक्टर। लेकिन इस फील्ड में क्रिएटिविटी बहुत है और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, क्योंकि हमारे यहाँ चार जो ये सीजन्स होते हैं, इन चार सीजन से हमारा पूरा पूरी बॉडी रिनोवेट होती है अलग तरीके से। तो क्रिएटिविटी यहाँ बहुत है, बच्चे अच्छा क्रिएटिव काम करते हैं। तो अब यही है कि मैं अब इसलिए आया हूँ यहाँ कश्मीर, कि बच्चों को साथ हूँ, उनको सिखाऊँ, उनको अच्छा लगता है सब। तो आपने सुना ही होगा पूरा जो भी इनने कहा। तो अभी हम इनके स्टूडियो में और एक छोटा सा लुक मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इनका स्टूडियो और ये कैसे काम करते हैं। बाजान के पास यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें और उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ है वो चीज़ है। आपको मैं दिखा दूँ, वहाँ से आपका फ़ोन रखने का ट्राईपॉड है वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे,
तो इसमें कैमरा भी बंद होता है, फ़ोन भी, तो लाइव सेशंस इसमें बहुत अच्छे से होते हैं और हाई क्वालिटी का ये है, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, उसका टूर आपको मैं अच्छे से दूंगा। ये जी आई मैक हो गया, यहाँ से साउंड बार बोर्ड का हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये ऐसे क्यों है ये चीज़ें, क्योंकि एक आर्टिस्ट को फुर्सत नहीं आती है पूरा अपने काम से काम, बाकी जो हो रहा है वो आपको मैं पूरा अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे दिखाता हूँ, ये जी हो गई पेंटिंग्स, ये हो गई पेंटिंग्स इनकी, ये हो गई पेंटिंग्स, ऊपर है पेंटिंग, उसके साथ साथ उधर भी पेंटिंग है, और यहाँ पे ये गर्मी करने के लिए, और ये देखे कलर्स कितने सारे हैं, कितने सारे कलर्स हैं, उफ। और यहाँ पे इनका सेटअप जहाँ पे बना रहे होते हैं, ये कुछ पोर्ट्रेट्स, ओह वाह, ये देख सकते हैं आप, वाह खूबसूरत। ये जी है सनसेट, बहुत सारी है, बहुत सारी। आपने आज तक कितनी पेंटिंग्स बनाई होंगी भाईजान? हजारों। ओह खूबसूरत, ये देखिए, ये आपको कश्मीरी दिखेगा, इसमें कश्मीर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, बोट्स वगैरह इसमें नजर आ रही है, बड़ा बड़ा खूबसूरत। वो देखिए यहाँ से भी पेंटिंग्स। तो मुझे जब मैं यहाँ आता हूँ, व्लॉग्स तो मैंने यहाँ किए नहीं है, बट मैं आता रहता हूँ, बट आज मैं आया और सोचा कि व्लॉग भी करें और पूरा आपको स्टूडियो का लुक भी देंगे अच्छे से, ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट। बड़ी स्पेशल चाय पी रहे हम, मज़ा आ गया, गर्मी हो गई। सो गाइज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना आर्ट करने में, सीखने में, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको ज़रगर ज़हूर जो है, मेरे जो फुफुआ जान है, वो आपको सिखाएंगे, और इतनी बड़ी शख्सियत से अगर आप सीखेंगे वो बहुत बड़ी बात है। तो आप गूगल पे भी इनका नाम लिख सकते हो और आपको इनकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। और इनका जो ये स्टूडियो है ना, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है ना कंटेंट क्रिएटर के लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। देखो अभी तो हमने ये वाला स्टैंड देखा, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, और वो प्रोफेशनल स्टैंड भी है, और यहाँ इतने सारे कलर हैं, इतने सारे कलर्स हैं, ये देख सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसमें है, बाकी ड्रॉअर्स में, अलमारियों में बहुत सारे हैं। और जी यहाँ से भी बहुत सारा है, मैंने गिम्बल भी साथ लाया है। और क्या है यहाँ, ये देखो यहाँ से भर के है कलर्स वगैरह, और यहाँ से कुछ पोर्ट्रेट्स है मेरे बैकग्राउंड में। इनने मेरा भी बचपन में एक पोर्ट्रेट बनाया था, बचपन में मैं 3-4 साल पहले, बट पता नहीं किधर है वो, पूछूँगा अगर मिला तो देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ से वो फाइल्स है जिसमें पोर्ट्रेट्स बनते हैं ना, तो वो चीज़ें इधर से, और इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स है। इस पेंटिंग की बात करें, और अगर आप इसकी रेट सुनेंगे तो सच में हैंग हो जाएंगे सब, क्योंकि आप गूगल पे देख सकते हैं, गूगल पे अगर आप लिखेंगे ज़रगर ज़हूर पेंटिंग्स वगैरह, तो वहाँ निकल जाएगा इनकी रेट वगैरह। तो इनने बहुत सारी आज तक सेल की होंगी, बहुत सारी, और बहुत सारी बनाई भी है, और बहुत टाइम से ये सब ये कर रहे हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ बहुत अच्छा फील आता है। और वीडियो को लाइक ज़रूरी करना। अभी हम स्टूडियो से निकले और यहीं से एक रास्ता जाता है किधर, घर की तरफ, ठीक है। ये देखो यहाँ भी पेंटिंग्स इनकी लगी हुई है, और अभी मैं इनका फ़ोन ठीक कर रहा था पूरा सफाई। ये देखो इनकी पेंटिंग्स मेरे बैक साइड में हर जगह से आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखो। और ये वाला जो दरवाज़ा है, ये स्टूडियो की तरफ जाता है, और यहाँ बहुत गर्मी होती है, मतलब कपड़े लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है जब वो बुखारी वगैरह जलाते हैं। और ये हो गया मेन एंट्री, और उसके साथ साथ यहाँ इतने सारे पेड़, खूबसूरत, पूरा आर्टिस्टिक लुक, ठीक है, पूरे घर का आर्टिस्टिक लुक है। ये देखो यहाँ से पेंटिंग्स है, मेरे इस साइड से पेंटिंग्स है, और इधर से और एक पेंटिंग है।
ये ऊपर से पूरा ओपन है और ये फायरप्लेस वगैरह है, तो ये किचन है पूरा बिग बॉस स्टाइल किचन, पूरा ओपन किचन है, बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता और ये पूरा खूबसूरत तरीके से, ये देखो जी पेंटिंग, ओह ये हुई पेंटिंग्स यहाँ से। यहाँ मैंने अनफॉर्चुनेटली जब शादी थी तो व्लॉग नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं करता था, तो यहाँ पे बैठने का पूरा कश्मीरी स्टाइल है और पूरा फॉरेन स्टाइल प्लस कश्मीरी स्टाइल घर है। देखो पेंटिंग, देखो जी पेंटिंग, ये ऊपर जाने का रास्ता। ये परसों जिनके साथ मैं लाइव आया था, ईशान भैया, उनका रूम यहाँ से है, उनका रूम ये है और यहाँ से स्टूडियो दिखेगा आपको। ये स्टूडियो की दो खिड़कियाँ ऊपर वाली, यहाँ पे ये वाले कर्टन्स है, ठीक है, और ये जी पेंटिंग्स है यहाँ, ये लॉबी है ऊपर वाली, ठीक है, और ये रूम है, ये मेरी पुफेरी बहन का रूम, वो पुफेरा भाई का था, कि ये दादी जब आती है इधर तो ये दादी का रूम है, और ये जी मैं हूँ, ठीक है, ये दादी का रूम है। और यहाँ सेब देखो कितने हैं, ठीक है, यहाँ से बाहर वाला गार्डन दिखता है, और वो ये जी ऑर्चर्ड्स है, आपको तो पता ही होगा ये ऑर्चर्ड्स यहीं है, सही है, सामने ऑर्चर्ड्स दिख रहा है, तो बड़ा बड़ा खूबसूरत। ये दादी का रूम, और यहाँ से जाते हैं हॉल में, इधर भी जाता है, और ये है हॉल, इधर से जल्दी जल्दी, ये बंद है, आपको मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। और ये जी है हॉल, ठीक है, यहाँ पे हमने इतना फन किया ना शादी पे, पिछले साल शादी थी तो शायद दो साल, हाँ एक साल, एक डेढ़ साल हो गया, और यहाँ इतना फन किया हमने, बहुत बहुत मज़ा आया शादी पे यहाँ, बट व्लॉग में वो दिखाया नहीं मैंने। तो फिलहाल अभी उतरते हैं नीचे, खाना खाते हैं, ठीक है, थीके? तो चलो। तो ईशान भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देखा मैं आपके घर आया हूँ, अब आप भी जल्दी आ जाओ, तो फिर हम व्लॉग आपके साथ भी करेंगे, मज़ा आएगा। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं नीचे, ठीक है, अभी जी हमने ऑर्डर किया है DJI गिम्बल और बोया का माइक, तो बाजान को पसंद आया DJI गिम्बल और बोला ऑर्डर करो, जल्दी से ऑर्डर करो, और ये आप पहुंच जाएगा, फिर जिस दिन मैं आऊँगा पूरा दिखाऊंगा कैसे क्या चलाना है। तो जी अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो टाटा बाय, नाइस टू मीट यू, बहुत मज़ा आया, और इनकी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अभी अभी एक नया वीडियो वहाँ पे अपलोड हुआ है तो वो देखेंगे ये लोग, के लिए अल्लाह अल्लाह। इस टाइम ठंड बहुत है तो बाय बाय, तो अभी हम निकलते हैं ठंड चतूर छिवारिया, और वापस पहुँचना है सकलैन के घर। चले जी हम निकलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो गई, चाबी किधर गई। हम पहुंच गए वापस, और स्कूटी पे इतनी ठंड लगी, मतलब हाथ पूरे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हाथ है कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। और आज का व्लॉग आपने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ कहीं नहीं देखी होगी, और बहुत मज़ा आया आज बाजान से, बहुत टाइम बाद मिला, मैं अपने फूफू को बाजान कहता हूँ, और पुफी यहाँ नहीं थी, वो बाहर गई है दिल्ली, तो इसीलिए, वरना उनसे भी मिलाते, सबसे मिलाते। तो आज का जो व्लॉग था बहुत इंटरेस्टिंग था, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है इनकी चैनल की, वो ज़रूर चेकआउट करें, और अगर आपको भी इंटरेस्ट है आर्ट वगैरह में तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, और हमारी 20,000 की फैमिली जल्दी बनानी है, ठीक है, उस चीज़ के लिए मेरा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूरी प्रेस करें, और मुझे सपोर्ट करें ग्रो होने में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।